हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, या तो ये डूब जाएगा या तो ये यहाँ से मल्टीबैगर बन सकता है। आप पूछोगे कैसे? दोस्तों, आपने देखा होगा येस बैंक 5 रुपये के आसपास आया था और 75 रुपीज़ का हाईएस्ट बनाया था। मतलब कि दोस्तों, आपको मान लीजिए 1000% का आसपास जो है वो रिटर्न दिया। उसी तरह दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर देख सकते हो अपने जो है लोएस्ट पॉइंट के आसपास जो ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले दिनों में? तो चलिए हम फुल डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट गिरा हुआ, अगर हम इस टाइम में कोई स्टॉक खरीदते हैं गिरते हुए मार्केट में, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपने जितना 4 या 5 साल में नहीं कमा पाओगे, वो आप केवल 6 महीने के अंदर आप कमा लोगे। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हम लोग पूरा डेटा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई बहुत बड़ी और रेपुटेटेड बैंक नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल बैंक है। ठीक है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइज आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, 9900 के आसपास में है। ठीक है, 9900 के आसपास है। और ये दोस्तों कहां रहता है, मतलब किस सेक्टर में है दोस्तों? तो ये मिड कैप में है। ठीक है, मिड कैप में है, लार्ज कैप में नहीं है, ना ही स्मॉल कैप में ये कंपनी है। अगर हम इसका देख ले डिविडेंड यील्ड, तो दोस्तों कंपनी को कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो ये डिविडेंड नहीं दे पा रही है। ठीक है, और उसका बाद देख लेते हैं रिटर्न ऑन असेट, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव में चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं तो नेगेटिव में है, 1% है, लेकिन नेगेटिव में है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले, तो नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में ही चल रहा, अभी कंपनी को कहीं से भी प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। अगर हम कंपनी का लास्ट 3 ईयर का रिकॉर्ड देखते हैं, तो दोस्तों कभी कभी बाउंस बैक मारा है बीच बीच में, लेकिन कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फाइनली अगर देखें तो कंपनी जो है डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, और आज के डेट में तो यहाँ पर भी पहुँच चुकी है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है अभी। अगर हम दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट या कोई भी रिज़ल्ट देख के एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी पे अभी कौन सी स्थिति चल रही है, तो हम यहाँ पर अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट के आसपास देखते हैं, तो कुछ भी खास नहीं है। 2% के आसपास में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है, वो भी इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, इंटरेस्ट मिला है दोस्तों कंपनी को अगर देखें तो। उसके बाद दोस्तों 2019 दिसंबर और दिसंबर के बीच में दोस्तों कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, तो दोस्तों बहुत भारी नुकसान हुआ। ठीक है, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, ये था क्वार्टरली रिज़ल्ट, ये दोस्तों हाफ ईयरली रिजल्ट। ठीक है, हाफ ईयरली रिजल्ट के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ तो बहुत बड़ी नुकसान देखी जा रही थी दोस्तों वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखी जा रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ देख लो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा नुकसान कम हुआ। जितना पहले मान लीजिए 1 करोड़ का नुकसान होता, तो अभी 50 लाख का, मतलब थोड़ा बहुत 50% रिकवर हुआ। ठीक है, और उसके बाद 9 मंथ का रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों, वो भी कुछ खास नहीं है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी डे बाई डे कैसे इम्प्रूव कर रही है, कैसे इसका क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है, कंपनी में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, तो ये हर एक चीज़ आपको देखना पड़ता है कंपलसरी। और अभी मैं आपको मेन चीज़ दिखाने वाला हूं दोस्तों, कंपनी का बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपको ज़रूर देखना ही देखना है, किस कंपनी में क्या कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, तो डिपॉजिट के मामले में कंपनी ने 46% जो है इम्प्रूव किया। ठीक है, डिपॉजिट 2018 से लेकर 2019 एक साल के अंदर जो 46% का इम्प्रूवमेंट हुआ है दोस्तों। और उसके बाद अगर एडवांस में हम बात कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए 65% के आसपास एक साल के अंदर। ठीक है, ये 1 ईयर है दोस्तों। ठीक है, 1 ईयर का गैप है, तो उसमें भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कंपनी थोड़ी बहुत पीछे चल रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी पीछे चल रही है, लेकिन अगर हम देखें दोस्तों टोटल असेट, कंपनी में असेट की क्या हालचाल है, तो असेट मैनेजमेंट में भी कंपनी अच्छा खासा इंप्रूव कर रही है दोस्तों, अराउंड 32% के आसपास से। तो अगर बैलेंस शीट देखते हैं, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट और बहुत ज़्यादा स्टेबल देखी जा रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो आप खरीद सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों, आपने एक नोटिस किया होगा, मैंने थंबनेल में कितना लिखा है दोस्तों, 17 रुपीज़ मैंने लिखा। ठीक है, 17 रुपीज़ का मतलब क्या है, और यहाँ पर तो 20 रुपीज़ चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कल को मार्केट गिरता है, ठीक है, अगर कल को मार लीजिए अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हो सकता है दोस्तों ये 15 रुपीज़ के आसपास चले जाए, या 15 या 20 के बीच में आ जाए, तो दोस्तों वो प्राइस में हमें खरीदना चाहिए। 20 तो है, लेकिन अभी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट किया, तो और भी आपको मौका मिलेंगे, तो उस प्राइस पर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस शीट के हिसाब से
ठीक है, बैलेंस शीट के हिसाब से। ठीक है, अभी अभी आपको नहीं खरीदना है, अभी आपको नहीं खरीदना है, कब खरीदना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी और गिरावट होना बाकी है, क्योंकि और गिरावट हो सकती है तो कंपनी हो सकता है दोस्तों 17 या 14 रुपीज़ के आसपास आपको दिखेगी, ये दो रेंज में, तब तो आपको खरीदना ही खरीदना। ठीक है, इतना ख़राब भी कंपनी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस शीट के हिसाब से, तो कंपनी यहाँ पर देख लो IDFC फर्स्ट बैंक आपको खरीदना है, IDFC फर्स्ट बैंक आपको खरीदना है आज के डेट में। यहाँ पर देख लो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखी गई है, इसका जो भी करेंट मार्केट प्राइस है 20 रुपीज़ के आसपास है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है। ठीक है, हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हो जाए, चलता रहता है, लेकिन ये आपको अट्रैक्टिव प्राइस देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस में आपको बोल रहा हूँ थोड़े बहुत और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है निचले वाले प्राइस में, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहेगा। और ये चीज़ देख के तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। और क्या, तो दोस्तों कंपनी में कैश फ्लो अगर देखे, कैश फ्लो तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है इसका जो असेट है, मतलब इससे भी मान लीजिए अभी यस बैंक में क्या प्रॉब्लम था, असेट नहीं था। असेट का मतलब क्या था दोस्तों, कैश नहीं था। ठीक है, अब जिस कंपनी के पास कैश हो, सॉरी बैंक के पास कैश हो, तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन दे सकती है कहीं से भी, मतलब वो रेडी है दोस्तों किसी काम करने के लिए। और यस बैंक किस में फंस गया था, कैपिटल नहीं था उसके पास दोस्तों, कैपिटल नहीं था, और उसमें राणा कपूर जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पर देख लो दोस्तों 2000, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, 18 है, और ये रहा 19। अगर आप देखो तो पहले कंपनी 0 बटा लुल थी, काम ख़त्म। लेकिन दोस्तों 2016 में देखे तो नुकसान हुआ, 2017 में क्या हुआ, पॉजिटिविटी आया, 2018 में क्या हुआ, फिर से नुकसान हुआ, 2019 में कमाल ही कर दिया दोस्तों, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया। लेकिन अभी तो मार्केट गिर रही है भाई, तो अगर मार्केट गिर रही है तो IDFC फर्स्ट बैंक भी गिरेगा, वो तो डेफिनेटली गिरेगा दोस्तों। अगर हम देख लेते हैं शेयर होल्डर में क्या है, तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास, ओ हो, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। कौन सा अच्छा पॉइंट है दोस्तों, एक भी शेयर प्लेस नहीं रखा गया है, एक भी शेयर प्लेस नहीं रखा गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस कंपनी के पास प्लेजिंग ना हो, खुद के पास हिम्मत है, तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि ये रहना चाहिए अगर कंपनी में अच्छे से काम हो रहा है तो। अगर बाकी हम देखते हैं तो बिज़नेस सेगमेंटेशन दोस्तों, ये है बिज़नेस सेगमेंटेशन, तो इसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। हालांकि दोस्तों बीच में यहाँ पर आपको गैप अप दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी ग्रोथ देखी जा रही है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये अगर आप ख़रीदना चाहते हो IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, बैंक है तो डूब गवर्नमेंट इसको डूबने नहीं देगी, और अगर डूबने नहीं देगी तो ये आपको अच्छा से अच्छा प्राइस पे मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट जिस हिसाब से निफ्टी गिर रहा है दोस्तों, और अभी निफ्टी ने शॉर्ट रिकवरिंग लिया, तो मेरे ख्याल से आपको खरीदना नहीं चाहिए प्लीज़। तो क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से दोस्तों, आपको वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ठीक है, आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, वेट करना है, खरीदिएगा मत अभी कुछ भी, क्योंकि स्टॉक का प्राइस और भी गिर सकता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए दोस्तों, मेरे पास बिलीव करो दो ऐसे लिस्ट है जिसमें आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक के बारे में बताए गए हैं, कौन सा स्टॉक आपको खरीदना मार्केट बंद होने के बाद दोस्तों, वो जो भी है वो पेड सर्विस में दिया जा रहा है। आप पूछेंगे कि इसमें लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, मार्केट जो गिर रहा है, निफ्टी जो गिर रहा है इतनी तेज़ी से, ये गिरावट को हमें मौका समझ के पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दूसरे सेकेंड टाइम हमारे लाइफ में ना आए, तो दोस्तों इस टाइम जो पैसा कमाने का मौका है फिर शायद ना मिल सके। इसलिए मार्केट को कम देखो, अपना लिस्ट बनाने में ज़्यादा ध्यान रखो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इनक्रेज जरूर कीजिएगा, अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हो।